कई दिनों से महापौर संदीप जोशी का जनजागृति दौरा जारी है, जिसका असर देखने को मिला है। इस दौरान संदीप जोशी पुलिस वाहन से घूमते हुए लोगों को नियमों के बारे में सचेत करते हुए नजर आए। इस दौरान मास्क नहीं पहनने वालों का चालान भी फाड़ा गया। मास्क लगाइए। अरे कितनी बार बताना आप लोगों को, समझता नहीं क्या आप लोगों को? एक आध बार आपका भी नंबर लगेगा ना, रोज के 40 लोग मर रहे हैं। अब क्या 40 लोगों में आपका नंबर लगने की राह देख रहे हैं आप लोग? आजू बाजू में बैठे हैं सब लोग, क्या देखने आ रहे हो? संदीप जोशी ने पहल करते हुए कुछ दिनों से जनजागृति अभियान शुरू किया है, जिसके तहत वह नागरिकों में कोरोना संक्रमण के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं, साथ ही नियम का उल्लंघन करने वालों से सख्ती भी बरत रहे हैं। ऐसे ही संदीप जोशी ने यह अभियान रविवार को भी जारी रखा। उन्होंने पुलिस वाहन से बाजारों में दौरा किया, साथ ही बिना मास्क वाले व्यक्ति का बाकायदा रसीद के साथ चालान भी काटा। आज नागपुरात 1.5 ते 2 हजार लोक नियमितपणे पॉझिटिव्ह निघत आहेत। रोजचा त्यामधील मृत्यूचा आकडा देखील 30, 35, 40 पर्यंत पोहोचत आहे। दुर्दैवाने एक लक्षात असं येत आहे की वारंवार पोलीस प्रशासन असेल, महानगरपालिका प्रशासन असेल, परंतु सांगून देखील जनता समजत नाही आहे, ही अत्यंत दुर्दैवाची बाब आहे। आणि त्यामुळे जिकडे तिकडे जागरूक करणं हे सुरू असताना जोपर्यंत एखाद्याच्या घरचा स्वतःचा व्यक्ती निघत नाही तोपर्यंत नागरिक जागरूक होतील की नाही अशा पद्धतीचा संभ्रम आता निर्माण झालेला आहे। एकीकडे एका टप्प्यामध्ये दहशतीचं वातावरण आहे आणि दुसरीकडे काही जणांना काहीही फरक पडत नाही, काहीही हो आम्ही आमचं चालू ठेवणार अशा पद्धतीची भूमिका दिसते। आणि त्याच्यामुळे आज या पद्धतीची आता यानंतर नियमित जागरूकता माझ्या माध्यमातून होणार आहे आणि जनतेला जागरूक करणं, प्रसंगी चालान करणं, दंड ठोठवणं हे संपूर्ण विषय आता यानंतरच्या कालावधीमध्ये चालू राहणार। आज कुठले भाग गेले? आज या ठिकाणी गोकुळपेठ मार्केट असेल, लकडगंज मार्केट असेल, सेंट्रल एव्हेन्यू रोड आहे, धरमपेठ मार्केट आहे, त्याच्यानंतर बुधवार बाजार, या पद्धतीचे सर्व मार्केट मध्ये आज फिरलेलो आहे आणि ही मोहीम यानंतर निरंतर आता चालू आहे। जब से कोरोना ने अपने पैर पसारे हैं, तब से लेकर अब तक प्रशासन का हर जिम्मेदार अधिकारी इस महामारी के नियंत्रण में लगा हुआ है। हर कोई अपनी कोशिश में है कि जल्द ही इसका निवारण हो। इस ओर प्रथम नागरिक महापौर भी अपने जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने भी इस कोरोना काल में एक कोरोना योद्धा की अहम भूमिका को बखूबी निभाया है। बहरहाल लोगों के सुधरने के आसार तो कम ही है, लेकिन इस तरह से आम नागरिकों की लापरवाही पर लगाम कसी जाएगी, तब ही उनमें सुधारना की उम्मीद कर सकते हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहोड़ के साथ NBCN से दीपिका धनेश्वर की रिपोर्ट।